ऑब्जर्व चुके हैं श्री न्यूज के साथ, मैं हूँ रूहानी। आज गणपति बाप्पा के विसर्जन का दिन है और जम्मू वासियों में खासा उत्साह व खुशी है। और यहाँ पर अगर हम कहें तो पूरा जो है माहौल इस कदर बोले कि भक्तिमय माहौल है। हमारे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर बाप्पा का विसर्जन करने के लिए तभी नदी के यहाँ पर लोग मौजूद है, जो श्रद्धा भाव से व आस्था से बाप्पा की पूजा कर रहे थे। और आज वो समय आया है जब बाप्पा का विसर्जन होना है। गणपति बाबा को घर में रखा था, लेकिन एक तो हमें इसका बड़ा अफसोस है कि आज गणपति को हम विसर्जन कर रहे हैं, आज हमारा घर भी जो है खाली खाली लगेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा, 9 दिन हमने बहुत अच्छी पूजा पाठ की और बाबा विसर्जन करने के लिए जब हम आए यहाँ पे बड़े लोग बड़ी श्रद्धालु आए हुए श्रद्धा से विसर्जन कर रहे हैं, बड़ा रश और भीड़ है, उत्सव है, बहुत खुशी मना रहे हैं। और हम यही कहते हैं कि हर साल जो गणपति बाबा जी का जो है जो गणेश चतुर्थी से शुरू होता है और अनंत चतुर्दशी, सबसे बड़ी अनंत चतुर्दशी है जो आज के दिन यहाँ पे विसर्जन किया हुआ है। ये 12 चतुर्दशी से सबसे बड़ी चतुर्दशी है। आज एक तो हमारे विष्णु भगवान जी का भी दिन है जो अनंत है, बोले संसार के अनंत पूर्व है, उनका बहुत अच्छा दिन है। उसके साथ गणेश जी का विसर्जन है और हम चाहते हैं कि हर हमारे जितने भी श्रद्धालु जी हैं उनकी हर कामना पूरी हो, उनके हर संकट का दुख दूर हो और हर साल खुशी से जे गणेश जी का अनंत चतुर्दशी हर खुशी से आए। बोलो गणपति बाबा बोल, अगले बरस तू जल्दी बोलो गणपति बाबा। मैं आपने गुलाल लगाया है चेहरे पर, तो आप ही से सवाल करूंगी, आज लग रहा है कि होली है। हाँ, क्यों नहीं लग रहा है, होली है। किस तरह से मनाती हैं गणेश जी? बड़ी अच्छी तरह मनाते हैं हम। ऐसा लग रहा है आज बाप्पा जो है आज इतने दिन आपके घर पर रहे, विराजमान रहे, सुख समृद्धि के देवता है और आज जो है बाप्पा का विसर्जन। आई विसर्जन है तो ऐसा लग रहा है हमारे घर ही खाली हो गया है। और बाय द वे हमने ना थोड़े मेरा जो पैरेट है वो बोल ही नहीं रहा, उड़ गया था, वो उसी दिन मिल गया। और मैंने पूरे व्रत रखे हैं, आज के दिन खुआर दिए हैं व्रत, चमत्कार देखा। हाँ, चमत्कार, और बोलना भी शुरू हो गया है अब। दिवाली का माहौल है, देख सकते हैं चेहरे पर गुलाल सबके, और आज एक उत्सव की तरह इस विसर्जन को मनाया जा रहा है। एक शख्स हमारे साथ है, सर क्या नाम है आप? मेरा तीर्थ राम पटेल। किस तरह से मना रहे थे ये गणेश चतुर्थी और अब विसर्जन का समय आ गया, बाप्पा जा रहे हैं? गणपति बाप्पा के बुढ़िया के सामने मना रहे हैं, अब साल भर के कई साल के त्योहार है, हम लोग अपने तरीके से अच्छे से मनाते हैं, अब अच्छे से रहना। आप किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहते हैं? बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं और हमें ऐसे ही मजा आता है, हर साल हम ऐसे ही मनाते हैं जैसे कि हमारे कोई नया दिन, हमें ऐसे लग रहा है दिन दिन पे जैसे कि कोई हमारे लिए कोई नया त्यौहार नहीं, कोई कुछ नहीं, हमारे लिए यही अच्छा है। और यही आपने भी पूजा की होगी, पापा से क्या मांगा है? हम तो यही मांगे हैं कि जो भी हो हमको सुख रखे, बहुत अच्छा से रखे, यही हम गणेश जी और भगवान से प्रार्थना करते हैं। साफ तौर पर मैं पीछे का माहौल अपने कैमरामैन को कहूं, आप दिखा दीजिए। और यहां पर जो है लोग जो है पानी का मजा भी ले रहे हैं क्योंकि गर्मी जो है प्रचंड गर्मी पड़ रही है जम्मू में, वही कुछ लोग सेल्फीज भी पानी के बीचों बीच खींच रहे हैं और होली का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। और यहां पर अगर हम कहें तो पीछे जो है बाप्पा विराजमान है और आज एक ऐसा दिन है जब बाप्पा का विसर्जन जो है वो किया जा रहा है और आज एक ऐसा दिन है जो सुख करता है, जो सबको जो है सुख व समृद्धि देते हैं, वो पापा जो है आज जा रहे हैं। और आज ये उम्मीद के साथ सभी लोग यहाँ पर मौजूद है कि अगले बरस जो है वो पापा जो है वो फिर से आएंगे। और यहाँ पर आप रश देख लीजिए, किस तरह से श्रद्धा भाव से यहाँ पर तमाम श्रद्धालु जो है यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर गणपति पापा इस
तरह से कहा जा रहा है कि बप्पा आप अगले बरस जरूर आइएगा और आप हम सबके जो विघ्न है उनको जो है हर लीजिएगा। और ये पूजा अर्चना के विजुअल हम दिखा रहे हैं कि विसर्जन से पहले किस तरह से बप्पा की जो पूजा यहाँ पर महिलाएं जो है वो कर रहे हैं, अगरबत्ती जलाई जा रही है और पूरा एक व्रत जो है इतने दिनों का व्रत रखा जा रहा है। माँ लक्ष्मी भी यहाँ पर विराजमान है और यहाँ पर पूरा एक प्रक्रिया होती है बप्पा के विसर्जन की, वही प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि इतना जो समय हो गया है और मिठाई का भोग भी यहाँ पर बप्पा को लगाया जा रहा है और माँ लक्ष्मी के साथ बप्पा को जो है यहाँ पर विसर्जन किया जा रहा है। लेकिन हाँ, विघ्नों को हरते हैं गणपति बप्पा और परम पूजनीय है, सबसे पहले जो है यहाँ पर बप्पा की पूजा की जाती है और कहते हैं कि अगर आप कुछ भी शुभ काम की शुरुआत कर रहे हैं तो आप बप्पा की पूजा कीजिए, हर एक विघ्न जो है वो आपसे दूर हो जाएगा। और आज इतने दिनों के बाद जब पूजा अर्चना की तो उसके बाद जो था आज विसर्जन का समय आया। हालांकि सबको ये उम्मीद है कि चलिए बप्पा आज तो उनका हम विसर्जन कर रहे हैं लेकिन अगले बरस बप्पा हमारे घर में जरूर आइएगा, सुख समृद्धि जो है हमें दीजिएगा। और पूरे देश के साथ साथ अगर मैं कहूँ तो महाराष्ट्र में इसको बहुत बड़े पैमाने पर इस गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है, लेकिन जम्मू में भी देखा जाता है कि लोग भगवान श्री गणेश में किस तरह से आस्था रखते हुए यहाँ पर भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं अगर बात की जाए मूर्तिकारों की तो राजस्थान से मूर्तिकार यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अलग अलग विभिन्न विभिन्न जो रूप है बप्पा के उनको दर्शाते हैं, चाहे बचपन का रूप हो और हर एक रूप जो है वो दर्शाते हैं बप्पा का। और पूरा का पूरा एक वहाँ पर काल दिखाते हैं किस तरह से बप्पा जो थे वो बचपन में रहे, नटखट रहे और किस तरह से जो थे बप्पा सबके विघ्न हरते हैं, सुख समृद्धि सबको जो है वो प्राप्त होती है जो भी परम पूजनीय भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करता है। लेकिन जम्मू में आज एक ऐसा माहौल है जो होली के साथ साथ दिवाली है और श्रद्धा भाव के साथ साथ सबके चेहरे पर एक मुस्कान है कि गणपति बप्पा आज तो आप जा रहे हैं लेकिन अगले बरस आप जरूर आइएगा। इसी के साथ कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।